क्लास सेकेंड, ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 33, चैप्टर 5, अवर बोन्स एंड मसल्स। तो बच्चे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने अपने बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ा था। हमने इसमें पढ़ा था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो किससे बनी होती है, मेड अप बोन्स। ठीक है, ये देखिए, इसको कहते हैं स्केलेटन। ठीक है, और मसल अटैच होती है हमारी बोन से, जुड़ी हुई होती है, और दोनों के दोनों एक साथ काम करते हैं। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डेली की जो रूटीन होती है, डेली की एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हैं, अपने गेम्स खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, सारा काम हम इनकी हेल्प से करते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी को क्या करती है, मूव करती है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक बार लेट अस रिमेंबर कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। आवर बॉडी इज़ मेड अप बोन्स एंड मसल्स। जो हमारा शरीर है वो हड्डियों और मांसपेशियों से मिलकर बना है। बोन्स एंड मसल्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। जो हड्डी होती हैं और मांसपेशियाँ होती हैं, ये हमारी बॉडी को एक सही शेप देती है, आकृति देती है, और सहारा देती है, सपोर्ट देती है। ठीक है, ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स। जो हमारा पूरा शरीर है वो मसल्स मांसपेशियों की सहायता से मूव करता है। ठीक है, बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। तो जो हड्डी होती है, मांसपेशियाँ होती हैं, दोनों मिलकर काम करती हैं। स्किन कवर बोन्स एंड मसल्स। तो जो बच्चा, ये नीचे हमारे जो देखेंगे आप, कहीं पे भी हड्डी हैं, शरीर में हड्डी हैं, हड्डी और मांसपेशियाँ हैं, और उनके ऊपर क्या लगी है, स्किन लगी है, जो हमारी त्वचा होती है वो है। ठीक है, तो त्वचा ने क्या कर रखा है, हड्डी और मांसपेशियों को ढक रखा है, कवर कर रखा है। वी मस्ट डू एक्सरसाइज एंड प्ले गेम्स टू कीप आवर मसल्स एंड बोन्स फिट। हम एक्सरसाइज करके, गेम खेल कर अपनी मसल्स और बॉडी को फिट रख सकते हैं, हड्डियों को फिट रख सकते हैं। वी मस्ट हैव प्रॉपर पोस्चर। और हमें ऐसा क्या करना चाहिए, प्रॉपर पोस्चर में, जब आप चलते हो, बैठते हो, है ना, जब आप खड़े होते हो, तो सही पोस्चर में अपनी बॉडी को रखना चाहिए। प्रॉपर पोस्चर कीप द बोन्स एंड मसल्स गिव इन गुड शेप। अच्छे पोस्चर से आपकी जो बॉडी का शेप होगा, आपकी जो हड्डी होंगी, मांसपेशियाँ होंगी, वो अच्छे शेप की होंगी। तो बच्चा, इसके क्वेश्चन आंसर तो हम अपनी कॉपी में करेंगे, बाकी जो एक्सरसाइज है वो हम अपनी बुक में करेंगे। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी हम अपनी बुक में कर, कॉपी में कर सकते हैं। तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास पहले कुछ क्या है, ऑप्शंस दे रखे हैं, उसके बाद आपके सेंटेंस है। तो पहले आप सबसे पहले ऑप्शंस को समझेंगे कि उसको हिंदी में बोलते क्या हैं। जब आपको हिंदी में उसका समझ में आ जाएगा, फिर आपको सेंटेंस से खुद बनाना आ जाएगा। जैसे मसल्स को हिंदी में कहते हैं मांसपेशियाँ, हार्ट, हार्ट होता है हमारा दिल। ठीक है, शेप, शेप आप जानते हो, आकृति, हर, जैसे हर किसी का एक शेप होता है, हर किसी की बॉडी का शेप होता है। जैसे इससे पहले हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स के भी अलग अलग शेप होते हैं, लीव्स के अलग अलग शेप होते हैं, फ्लावर के अलग अलग शेप होते हैं, है ना। तो शेप आकृति होती है। एक्सरसाइज तो आपको पता ही है कि एक्सरसाइज, हम हमारे जो डेली रूटीन का एक्सरसाइज होता है, जो हम क्या करते हैं, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं, कसरत करते हैं। बोन्स हमारी होती है हड्डी, और पोस्चर हमारा होता है सही तरीके से, जो हमारे शरीर का सही तरीके से क्या बोल सकते हैं, आकृति बोल सकते हैं, या हमारा सही तरीके से उठना बैठना, वही पोस्चर कहलाता है। तो सबसे पहले है, बोन्स एंड मसल्स गिव डैश टू आवर बॉडी। तो जो बोन्स है, यानी कि जो हड्डी है और जो मांसपेशियाँ हैं, तो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, शेप, शेप मतलब आकृति। ठीक है, सेकंड, डैश मूव ऑल पार्ट आवर बॉडी। तो किससे हमारी बॉडी मूव करती है, मसल्स, मांसपेशियों से हमारे पूरा शरीर क्या करता है, मूव करता है। थर्ड, बिल्ड आवर मसल्स। तो किससे हमारी मांसपेशियाँ बनेंगी, एक्सरसाइज करके। तो यहाँ पर थर्ड में आएगा, एक्सरसाइज से। मसल्स मेक आवर हार्ट बीट। जो मांसपेशियाँ होती हैं उससे हमारी क्या बनती है, हार्ट बीट बनती है। फिफ्थ, डैश एंड मसल्स वर्क टुगेदर। तो अभी तक तो आपको आ गया होगा समझ में, कौन दो चीज़ें एक साथ काम करती है, बोन्स एंड मसल्स, यानी कि हड्डी और मांसपेशियाँ एक साथ काम करती हैं। सिक्स्थ, करेक्ट पोस्चर मेक ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी वर्क प्रॉपरली। अगर सही हमारी बॉडी का पोस्चर होगा, तो हमारी बॉडी अच्छे ढंग से अपना पूरा
वर्क करेगी, काम करेगी, ठीक है। अब बच्चा सी में है ट्रू और फॉल्स, तो आपको पता है टी ट्रू मतलब होता है सही, ठीक है, और एफ फॉल्स मतलब होता है रॉन्ग। तो सही के लिए आपको टी ट्रू लगाना है, एफ के लिए आपको फॉल्स लगाना है। सबसे पहले है वी शुड डू एक्सरसाइज स्टे फिट, हम लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए फिट रहने के लिए, तो ये होगा टी, यानी कि ट्रू मतलब सही, ठीक है। सेकेंड मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर, यस, तो यहाँ पे अभी आएगा आपका टी ट्रू, ठीक है, मसल्स और बोन्स एक साथ मिलकर काम करती है। थर्ड स्केलेटन इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन अवर बॉडी, यस ट्रू, जो हमारा क्या है बॉडी है उसका पूरा जो शरीर का ढांचा है वो हमारा स्केलेटन कहलाता है, फ्रेमवर्क जो शरीर का ढांचा है जिसे कंकाल भी कहते हैं। फोर्थ वी शुड नॉट सिट स्ट्रेट, क्या हमको स्ट्रेट नहीं बैठना चाहिए, तो ये है फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, गलत है। और फिफ्थ है द प्लेस वर टू और मोर बोन्स मीट कॉल्ड मसल्स, तो ये भी फॉल्स होगा। तो बच्चा जहाँ पे क्या है टू एंड मोर बोन्स, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आपको पहले इस चैप्टर में बताया था कि उसको हम क्या कहते हैं, कौन सा भाग होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पे आपका कहलाता है जॉइंट, क्या कहते हैं, जो शरीर का जॉइंट होता है, ठीक है। वहाँ पे हमारे क्या बनता है, जो दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं वो आपका जॉइंट होता है, क्या कहलाता है, वो जॉइंट कहलाता है। तो मसल्स नहीं कहलाता, वो जॉइंट कहलाता है, जोड़, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जोड़, ठीक है। अब इसमें आगे प्लेइंग एंड लर्निंग में आपको खेल खेल में सीखना है, ये आपसे पूछ रहा है गेस हु आई एम, आप पता लगाओ मैं कौन हूँ। आई एम सॉफ्ट कवरिंग ऑन द बोन्स, मैं बिल्कुल सॉफ्ट करके कवर करके रखती हूँ आपकी हड्डियों को, तो वो आपका है स्किन, त्वचा। आई एम हार्ड पार्ट इन द बॉडी, मैं बॉडी शरीर के अंदर हूँ और मेरा क्या है हार्ड पार्ट है, तो वह होगा बोन्स। थर्ड आई अलॉन्ग विद द बोन्स हैव द बॉडी मूवमेंट, मैं बोन्स के साथ मिलकर बॉडी मूवमेंट करता हूँ, तो वो है आपका मसल्स। तो आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करनी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो क्वेश्चन आंसर है और फिल इन द ब्लैंक्स है वो अपनी कॉपी में करेंगे। ओके।